हाय फ्रेंड्स, ये जो किस्सा आपको सुनाने जा रही हूँ ये मेरी पूरी ट्रिप का है, जहाँ मैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए इसी साल जनवरी में गई थी। और मैंने देहरादून से एक टैक्सी सर्विस भुवनेश्वर की बुक कर ली थी, जो जिसके जो कैब आके मुझे एयरपोर्ट से पिकअप करती और मुझे पुरी ले जाती। पुरी और भुवनेश्वर का जो डिस्टेंस है करीब 1 आवर 30 मिनट्स का है, 1.5 घंटे का करीब। तो वो काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी थी, क्योंकि रोड पहुँची है वहाँ की। तो लेकिन हुआ है कि मैंने सोचा कि मैं लिंगराज टेंपल भी देख लूँ भुवनेश्वर का। तो मैंने पहले ही टैक्सी ओनर से बात कर ली थी कि वहाँ मैं भुवनेश्वर भी मैं लिंगराज टेम्पल भी देखूंगी। तो उन्होंने कहा कि वो तो आउट ऑफ वे है थोड़ा मैडम, तो यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा। तो मैंने कहा ठीक है, कितना? तो कहते 300। तो 300 दे के मैं फिर मैंने टैक्सी ड्राइवर से बोला कि मुझे लिंगराज टेम्पल ले चलो। उसने बाहर पार्क कर दी थी टैक्सी, मैं आधे घंटे में दर्शन करके आ गई। बहुत ही पुराना और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर मंदिर है वो। फिर उसके बाद हम आगे रिज्यूम की जर्नी हमने। मैंने कहा कि थोड़ा कहीं अच्छा होटल देख के चाय के लिए रोक लेना, क्योंकि मैंने अभी चाय नहीं पी है सुबह से। कहता ठीक है। तो वहाँ उसने एक अच्छा होटल देखा और वहाँ उसने रोक दी गाड़ी। मैं फिर वहाँ फिर हम दोनों गए। तो मैंने उससे बोला कि तुम भी सुबह से उठे हो, तुम पकौड़े बन रहे थे गर्म गर्म, मैंने कहा तुम चाय और पकौड़े खा लो, मैं तो सिर्फ चाय पीऊँगी। तो वो काफ़ी खुश हुआ इस बात से, और उसने मुझे फिर मैंने उसे 100 रुपीज़ भी दे दी। मैं कहा पूरी जाके तुम ये खाना खा लेना, अपना खाना जो भी कुछ खाना है, पूरी उड़ीसा सस्ता है काफ़ी। उस हिसाब से मेरे मुझे जहाँ भी मैं गई आज तक, मुझे इतना इतना सस्ता जगह नहीं देखी, जहाँ चीज़ इतनी ईजिली अवेलेबल है एट अ वेरी लो प्राइस। तो मैंने कहा कि तुम खा लेना। कहता ठीक है। फिर उसके बाद वो हम लोग फिर चलने लगे आगे बढ़े चाय पीने के बाद। तो अभी मुश्किल से 45 मिनट्स भी नहीं गुजरे होंगे, कहने लगा कि यहाँ पे मैडम एक होटल है बहुत बढ़िया, और वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, वहाँ सी फूड मिलता है बहुत बढ़िया, प्रॉन है, फिर प्रॉन फ्राइड, देन चिकन करी, और देन फिश एंड बहुत सी बातें। तो मैंने कहा, लेकिन मैंने कहा मेरे को भूख नहीं, मैं तो पूरी जाके खाऊंगी और पहले पूरी पहुँच जाए। कहता लेकिन मुझे तो बहुत भूख लग रही है मैडम, मैं तो खाऊंगा। तो मैंने कहा तुम खाओ, अगर तुम्हें भूख लग रही है तुम खाओ, रोकना है तो रोक लो। फिर काफ़ी दूर जाने के बाद, करीब 10-15 मिनट बाद वो होटल आ गया, कलिंग होटल। और उसने जिस तरह से बोला था कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए, बात भी सही थी। बहुत सी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी थी, बहुत सी कार्स एंड ऑल। तो फिर उसके बाद उसने भी अपनी टैक्सी पार्क कर दी, और मैंने बाहर से, मुझे अंदर से इतने ज़ोर की चिल्ल पाओ, इतना हंगामा की आवाज़ आने लगी, लगा कि पूरा हॉल या पूरा होटल ही, जब पता नहीं कितने लोगों से भरा, लोग कम खा रहे हैं लेकिन बातें ज़्यादा कर रहे हैं। और सच में जब मैं अंदर पहुंची तो पूरा होटल ठसा ठस भरा था, कहीं कोई जगह नहीं थी, एक भी चेयर नहीं थी खाली, मतलब एक भी टेबल नहीं था। तो मैंने कहा भैया वापस चलो, मैंने कहा यहाँ तो बहुत रश है। तो एक वेटर आया, कहता मैडम एक अभी एक टेबल खाली हो गई, एक साइड खाली हो गया, आपके लायक हो गया, आप वहीं बैठ जाएगा। फिर साफ सुफ कर दिया उसने, और मैं बैठ गई चेयर में। एक सामने की चेयर भी उसके खाली थी। अब मैंने देखा वो ड्राइवर मेरे आगे पीछे कभी राइट में कभी लेफ्ट में आके खड़ा हो जा रहा, फिर वो फ्रंट में भी आ गया जो चेयर खाली थी मेरे ठीक सामने, और देखने लग गया मेरी तरफ। मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, मैं मतलब बहुत हो गया था। मैंने कहा अपने यहाँ से बैठे कहीं और जाके। तो मैंने उसके बिल्कुल कोशिश किया उसने कि मैं शायद कहूँ कि प्लीज़ आके बैठिए, ऐसा कुछ नहीं। मैंने अपना फिर वो चला गया कहीं। फिर मैंने वेटर आया तो मैंने कहा कि क्या है? तो कहता फिश, कर्ड्स फिश एंड राइस। मैंने कहा ठीक है ले आओ, क्या पता उड़ीसा वैसे भी फिश के लिए फूड ये सी फूड के लिए फेमस है। मैंने कहा ठीक है ले आओ। वो लेके आया वो बहुत जितना 5 टाइम्स राइस ज़्यादा था, करी मतलब वो बहुत ही थिक ग्रेवी थी, बहुत ही थिक, मतलब फिश में लिपटी हुई थी वो। बस खा के मैंने छुट्टी करी, राइस छोड़ दिया। मैं कहा चलो अब पे करने जाती हूँ, क्योंकि मतलब वहीं काउंटर पे पे होना था। तो मैं वहाँ पहुँची, मेरा 200 की फ़िश थी एंड 100 का राइस था, तो मेरा 300 का बिल था। तो मैं गई तो मैंने कहा कि मेरा बिल दे दीजिए। तो उसने कहा कि ये लीजिए मैडम 795। मैंने कहा मेरा तो 300 का था, मैंने तो सिर्फ ये किसका है बाकी बिल, ये 4 फ्राइड प्रॉन्स एंड 1 फुल प्लेट चिकन करी विद द राइस, ये किसका है? मैंने कहा ये किसका लगा दिया तुमने? कहता मैडम आपके ड्राइवर ने खाया है। मैंने कहा सामने वो खड़ा हुआ ही दांत निकाल के हंस रहा। मैंने कहा ऐसा है, जिसने खाया है ना उसी से लो पैसा। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी इसका पैसा, ये खुद से देगा। तो फिर उसने
क्वाइटली उसने अपनी जेब से पैसे निकाल कर दे दिया। फिर सारे रास्ते मैंने उससे बात नहीं की, मैंने कहा बहुत ही ओवर स्मार्ट है, तो भाई पहले पकौड़े खिलाए, फिर 100 रुपीज़ भी दिए सब कुछ, उसके बाद उसने ही थॉट कि अभी लंच भी मेरे को ही करवाइए, मैंने कहा तो कुछ ओवर ही हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने उसको जब बाय बाय किया, जब मैं होटल में छोड़ दिया जिस होटल मैंने पहले से बुक किया हुआ था, फिर आराम से मैंने कहा ये तो बहुत ही स्मार्ट आदमी निकला। फिर आराम से मैंने फिर अपना पूरी का स्टे बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच।